लाला मुस्तफा साहब। हलीमा खातून, हुरम सुल्तान की बीमारी का सबब क्या है? इंशाल्लाह परेशानी की बात नहीं होगी। मलिका बिल्कुल ठीक है, उनके शाने पर आबला निकल आया है, एक मामूली सा आबला है बस, कुछ खास नहीं। तो फिर आखिर तुम क्यों इतनी संजीदगी से उनके इलाज में मसरूफ हो? उस आबले की तस्वीर भी बना रखी है तुमने, इन सफात पर मलिका की सूरत हाल के मुतालिक मालूमात दर्ज हैं। कुछ छुपा रही हो क्या? बताओ मुझे। मैं वो जाहिर है कि तुम्हें तंबीह की गई होगी। फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। देखो खातून, मैं इस महल में सुल्ताने मुअज्जम के इक्तदार का नुमाइंदा हूं। अगर सुल्ताने मुअज्जम से कुछ छुपाया जा रहा है और वो जान गए तो पहले तुम पर मुसीबत आएगी। लाला, मुझे सुंबल आगा ने छुपाने का कहा था। हुरम सुल्तान को मेरे सूरत हाल के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हुरम सुल्तान एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो चुकी है लाला, ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास। शहजादे, मैं आपको बुलवाने ही वाला था लाला। क्या तफ्तीश की आपने वालदा की बीमारी के बारे में? शुक्र है खुदा का, कोई संगीन सूरत हाल नहीं है शहजादे। मैंने तबीबा से बातचीत की है, मलिका ठीक हैं। इस नाखुशगवार हादसे के रूनुमा होने की वजह से उन्हें शदीद धचका पहुंचा। आपकी ये बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल गया है। अब हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, आप सलीम के हमराह होंगे। यकीनन उसने आपके जहन को उलझाने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे आप पर कामिल एतमाद है। मुझे गलतफहमी तो नहीं है लाला, आप पर एतमाद कर सकता हूं ना? आप कोई शक मत रखिए शहजादे। आला, मैं आपके जानिब से हमेशा गाफिल रहा जानता हूं, आपका मशवरा मैंने कभी नहीं माना, लेकिन आज के बाद मैं आपके तजर्बे से इस्तेफादे की कोशिश करूंगा। लेकिन रुस्तम पाशा सीनियर को यहाँ कभी बर्दाश्त नहीं करता। उनके मुंतखब करदा शख्स शादी की रुस्तम को उनकी और विरासत की सलामती के लिए मैं बर्दाश्त करती रही, और जब मैंने लड़की चढ़ाई उसे भी कोई अहमियत न दी। इतने बरसों के बाद पहली मरतब मेरे दिल ने किसी से मोहब्बत करना चाहिए। मैं उससे हर किस ताल्लुक इस्तवार ना करती, मैं तो बस सिर्फ ये चाहती थी कि मेरे पास रहे वो। क्या बुराई थी इसमें? आओ। वालदा, बैठ जाओ। वालदा, आप जब तशरीफ लाई उस वक्त काश आपने जो मंजर देखा मैं उसे आपके दिलो दिमाग से मिटा सकता। काश ऐसा हो सकता, काश। रोनुमा होने वाले इस नाखुशगवार हादसे के मुतालिक सुल्ताने मुअज्जम को आगाह करने की कोई जरूरत तो नहीं है ना? तुम्हारी और बयासत की इस संगीन खता को समझना नामुमकिन है मेरे लिए, लेकिन तुम हक पर हो। सुल्ताने मुअज्जम को इस हादसे का इल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आज के बाद मेरा हुक्म तस्लीम किया जाएगा और अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाएगा।
आओ। मुझे किस मकसद से बुलाया था मैं समझ चुका हूं वालिदा। मैं चला ही जाऊं तो बेहतर होगा वालिदा। उलझो मत, बैठ जाओ। मेरे सब्र को तुम लोग मत आजमाओ। तुम दोनों की दुश्मनी से तंग आ चुके हो। सलीम, मैं आज़ाद से माफी मांगनी होगी तुम्हें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी माफी मांगू वालिदा, लेकिन सुलह की खातिर और आपकी खातिर माफी भी मांग लूंगा। अकारे की कोई हद आखिर नहीं होती सलीम। वालिदा बेकार में कोशिश कर रही हैं आप। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं वालिदा, क्योंकि आप कह रही हैं, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। बस करो, खामोश रह के मेरी बात गौर से सुनो। अपनी अकल को ठिकाने पर ले आओ। अगर मैं हुरम हूं तो आज शब तुम दोनों को सुलह करनी होगी। देखेगा, आओ मेरे साथ। सुकून और सुलह से जिंदा रहना मुमकिन है। बहुत से दुश्मन भी आपस में दोस्त बन जाते हैं, जबकि तुम दोनों तो ब्रदर हो। वालिदा, आपकी बात समझ रहा हूं, अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन इंसान अगर एक मरतबा अपना एतमाद खो दे तो उसे दोबारा हासिल करना नामुमकिन होता है। फिर भी आपके खातिर सलीम ने जो भी कुछ किया उसे सीने में दफन कर दूंगा, लेकिन अगर यह साजिश करने से पास ना आया तो उसके बाद मुझे कोई भी हरगिज नहीं रोक सकता। तुम्हारा ब्रदर दोबारा ऐसे कोई खता नहीं करेगा। मैं जमानत दे रही हूं। मेरी एक दरख्वास्त है, सलीम ने कुथाया में जो जासूसा भेजी है उसकी छोटी हमशीरा है यहां, वो मेरे हमरा यहां से वापस जाएगी। इसका क्या मकसद है बयासत? उस करने की मेरी कोई नीयत नहीं है वालिदा, लेकिन उस बेचारी दोशीजा को इस्तेमाल किया गया। उसने सब कुछ अपनी हमशीरा को बचाने की खातिर किया। अपने वैसे भी अगर वो यहां रही तो उसका अंजाम मालूम है, इस वजह से वो लड़की मेरे साथ जाएगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। बियाजत कितना रहम दिल है। अपने होश में रहो, बियाजत की ख्वाहिश पूरी करो, उस लड़की को भेज दो। वालिदा, मैं खुद को आपकी लायक औलाद साबित करूंगा, लेकिन अगर बेइज्जत आराम से नहीं बैठा, अगर उसने मेरे लिए कुआं खोदने की कोशिश की तो सब कुछ मुख्तलिफ होगा। बेइज्जत पर जरा सा भी शक मत करो, वो आराम से ही बैठेगा। बस अगर तुम अपने अंदर छुपे शैतान पर काबू पालो तो अपने हरम में मौजूद शैतान को फौरन दफन कर दो। कामयाब हो गई मेरे हमसफर और साथियों। आज के दिन के बाद से आप लोग पूरी तरह से आजाद हैं।
यहाँ ना कोई पोप होगा और ना ही कोई पाबंदी होगी। तुर्कों की सरजमीन पर आप सब लोग हमेशा आजाद रहेंगे और हर तरह से महफूज रहेंगे। आप सलामत रहे सिनोरा, खुदा आपकी हिफाजत करे। याद बरतना मेरे पिसर, तुम्हारे उठाए हुए किसी भी कदम से सलीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सलीम, मैंने जो कुछ कहा है उसे कतन फरामोश न करना, दोबारा मैं तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। चली गई वो शहजादे, अब अपनी वालिदा के शर से महफूज रहेंगे। आप ऐसी बात हरगिज ना करें शहजादी। सुल्तान मौसम ने क्यों हम दोनों को एक साथ अपने पास तलब फरमाया है सिन्योरा? मुझे नहीं मालूम पाशा। पाशा सोकुल्लू सिनियोरा पाशा, अहमद पाशा जो कुछ हो रहा है इसकी खबर है तुम्हें क्या? माफी चाहता हूं सुल्तान मौसम, आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं मैं समझ नहीं सका। सिनियोरा मेंदेज मेरी इजाजत के बगैर मेरी सरजमीन पर अपने मजहबी लोग लेकर आई हैं। माल की जगह ये इंसानों की तिजारत कर रही हैं। मुझे कतन खबर नहीं सुल्तान मौसम। सिनियोरा, आपने ये सब करने की जिसारत किस तरह की? सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम, खुदा के लिए मुझे इजाजत दीजिए, क्या आपको वजाहत दे सकूं मैं? कहिए सिनियोरा, मैंने आपको इसी सबक की बिना पर बुलवाया है, उम्मीद है कोई माकूल वजह होगी आपके पास। सुल्तान मौसम, आपसे आफियत चाहती हूँ। ये सैकड़ों मासूम बच्चों, खवातीन और मर्दों की जिंदगी का मसला है। तुर्कों की रहम दिली के आगे मैं सर तस्लीम खम करती हूँ। आपके हम मजहबों को हमने हमेशा पनाह दी, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है सिनियोरा कि हम उनकी हिफाजत करते रहे, हत्ता कि हमने पोप को भी तंबीह की कि ये लोग हमारी हिफाजत में हैं। उन्हें माल्टा जिला वतन किया गया ताकि अज़ियतें उठा सके। हमारे 24 अफराद को
जिंदा जला दिया गया सुल्तान मौसम। ईसाई दुनिया हमारे लिए एक मकतल है, सिर्फ आपकी सरजमीन हमारे लिए महफूज है सुल्तान मौसम। मुझे आपने आजाद करवाया, उन्हें यह मालूम हो गया था। मुझे खौफ था कि आप उन्हें वापस ना भेज दें, कहीं उन्हें मौत के घाट ना उतार दिया जाए। पोप इसकी कैसे जुर्रत कर सकता है? क्या वो ये चाहता है कि उसे उसके महल में दफन कर दूं? इन हालात से मुझे बाखबर ना रखकर आपने बहुत बड़ी गलती की है सिन्योरा, खास तौर पर जब मैंने आप पर भरोसा किया। माफ़ सुल्तान मौसम, माफ कर दीजिए मुझे। आपके फैसले के सामने सारे तस्लीम खाम करती, अगर आप उन्हें वापस भेजेंगे तो मैं भी साथ चली जाऊंगी। वहां जाने के बाद हमारा अंजाम एक ही होगा, वैश्याना मौत मार दिया जाएगा। मलिका, संभल। मलिका, आप ठीक हो ना? मलिका, आका सेनियोरा मेंदेस के लिए आपने जो फैसला किया, क्या वो दुरुस्त है? क्योंकि उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था। सेनियोरा ने जो रास्ता मुंतखब किया वो गलत है, लेकिन आने वाले को हम हरगिज वापस नहीं भेजेंगे रुस्तम। बल्कि वेनेडिक में असीर लोगों की खातिर पोप से भी राब्ता कायम किया जाएगा। अगर उसने हमारी बात ना मानी तो खुद जिम्मेदार होगा। माजरत चाहता हूँ आका, लेकिन इस तरह सूरतेहाल संगीन रुख अख्तियार कर सकती है, आने वाले ही मसाइल खड़े कर सकते हैं, सल्तनत आलिया के निजाम को तरह भरम कर सकते हैं। ये फूल तुम्हें कैसे लगते हैं रुस्तम? बेहद खुशनुमा और खूबसूरत लगते हैं मेरे आका। इन्हें उठा लो यहां से। अब ये कैसे लग रहे हैं? पहले ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे आका। खुदा को भी मुख्तलिफ रंग पसंद है रुस्तम, वरना वो एक ही जिन्स के फूल तख्लीक करता। एक ही जिन्स का परिंदा, एक ही जिन्स का इंसान। जबकि देखो तो हम सब मुख्तलिफ हैं। पहले ये जगह खूबसूरत थी क्योंकि मुख्तलिफ तरह के रंग बिरंगे फूल यहां थे। मेरे जेरे नगीन तमाम रियासतों में मुख्तलिफ मजाहिब और मुख्तलिफ जबान बोलने वाले अमन अमान और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, बिल्कुल इन फूलों की तरह। अमन अमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। सुबह
रो क्यों रहे हो? अभी कल ही की बात है, मैं एक छोटी सी बच्ची थी। जैसे एक बीज से पौधा फूट निकलता है, जैसे फूल खिलकर मुरझाने लगता है, सूरज डूबने लगता है, रंग फीके पड़ने लगते हैं, तमाम जंगें अब खत्म हो चुकी, झगड़े खत्म हो चुके, ख्वाहिशें खत्म हो चुकी, मिसल की आस न रही, ना कोई जोश और वलवला बाकी रहा, ना ही दुनिया का सबसे चमकता हुआ ताजा हम रहा। हर वो चीज जो नाकाबिले तकसीम थी, जो तकलीफ और हसद का सबब थी, अब खामोश हो गई। हर चीज बेमायने सी हो गई है। मौत ने अपने सियाह दरवाजे मुझ पर बांध कर दिए हैं। मौत, मौत मेरा नाम पुकार रही है। भी वही है। मेरी जिंदगी की अब कोई वक्त नहीं है शहजादे। कम से कम तुम्हारी मौत बिला सबब नहीं होगी। तुम्हारी हमशीरा अब महफूज है। आगा, मेरी बहन। शहजादे, खुदा का शुक्र है आप आ गए। तुम्हें माफ नहीं किया है मैंने नूरबानो। सुल्तान मौजम को शहजादा मुराद की रियासत जाने के वक्त के मुतालिक आगाह किया था। उन्होंने मुनासिब समझा है, उसे आए दिन रियासत भेजने का हुक्म सादर किया है। तुम मुराद के साथ आए दिन जाओगी। शहजादे, खुदा के लिए मुझे वहां मत भेजिए, मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मेरी जान ले ली जाएगी। नूरबानो, वालदा तुम्हारा सर कलम करवाना चाहती थी, मैंने तुम्हें मौत से बचा लिया। इतना कुछ होने के बाद तुम्हारा यहां मेरे साथ रहना ठीक नहीं। सबके लिए जो बेहतर है वही होगा।
कोई मसला है क्या लाला? शहजादे, आपके गोशगुजार करने के लिए एक बहुत अहम मसला है। तुम यहीं पर ठहरो गजनफर। बताइए लाला, क्या मसला है? शहजादे, आपने मुझसे माजी फरामोश करने का, शहजादे बियाजत से अपने ताल्लुक को बिल्कुल खत्म करने का कहा था। हाँ, यह पेशकश अभी भी बरकरार है। अगर इसे कबूल करोगे तो इसके बदले तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा इनाम दिया जाएगा। मैंने बहुत गौर किया शहजादे। शहजादा बियाजत से ताल्लुक खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कुछ अरसा कबल जो कुछ हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आज के बाद मेरी आंखें आपकी खातिर देखेंगी, मेरी समात आपके लिए सुनेंगी शहजादे। अल्लाह ने इजाजत दी तो आपकी तख्त नशीने की खातिर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया लाला। अगर मैं तख्त नशीन हुआ तो तुम भी मेरे साथ होगे। क्यों आहें भर रहे हो सुंबल? खुद को संभालो। हलीमा खातून की बातों पर मुझे एतमाद नहीं है। यकीनन कोई इलाज तलाश कर लेंगे। इस फानी दुनिया में मैं कितनी मर्तबा मौत को शिकस्त दे चुकी हूँ तुम जानते हो। कितनी बार मुझे जहर दिया, क्या तुम गवाह हो इसके? मैं हूँ। इश्क से यक ब यक शमा जलने लगी, धुआं सर उठाने लगा एक आह भरते हुए। अश्क शब भर बहते रहे, सहर तक औजारी करते रहे। शमा मेरे दर्दे दिल की गहरी आशना बन गई। जब भी आतिश इश्क भड़कती है दिल मुस्कुराता है, इसी तरह शमा मेरे हर दर्द पर मुस्कुराती है, मेरे दिल के खराबे को रोशन और मामूर करती है। ऐ मेरे पैकरे माँ, तेरे बगैर भी रोशन है शमा, इस खराबे में बिला सबब जल रही है। ना धुआं है ना कोई परवाना, ना रोशनी ना साया, तन्हा ही जल रहा है मोहब्बी इस वीराने में। इसकी तन्हाई का ख्याल करके लौट आओ ऐ दोस्त, ताकि जिंदगी एक बार फिर रोशनी से मामूर हो जाए। आतिश इश्क एक बार फिर भड़क उठे, दिल की सोगवारी खत्म हो जाए। Thank you.
क्या हुआ है सुंबुल? सुल्तान मौसम, और हम सुल्तान चाहती हैं किसी को मालूम ना हो, लेकिन अब इसका बोझ मजीद नहीं उठा सकता मैं। उनके मर्ज का इलाज आप ही कर सकते हैं, जल्दी से मदद कीजिए। मलिका को एक लाइलाज मर्द ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। दवा चाहे पाताल में ही क्यों ना हो, इसे निकाल कर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। और मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी हरगिज तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा। कोई चाहे कुछ भी कहे, ये बीमारी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। खुदा जो दर्द देता है उसकी दवा भी देता है। मैं मौत से हार नहीं मानूंगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन सुलेमान, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूं, इसका किसी से जिक्र मत कीजिएगा, खासतौर पर हमारी औलाद को ना पता चले। किसी को भी मालूम नहीं होगा, लेकिन हम इसके इलाज के लिए जो भी मुमकिन होगा करेंगे, इसका इलाज तलाश करेंगे। मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है, आपकी आंखें। लेकिन अफसोस, अब ये मेरी जानिब रहमदिली से देखती है। मुझे इजाजत दे। काम भेजो, हलीमा खातून को मेरे पास आए, हुकुमा को भी बुलाओ, शिफा खाने में जो भी मौजूद है सबको लाओ। मलिका, तुम्हें कितनी मर्तबा नसीहत भी की थी कि किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। मलिका, मगर ऐसी बात कैसे छुपाई जा सकती थी? इसके अलावा मैंने किसी और को नहीं, सिर्फ सुल्तान मौसम को बताया है। खास तौर पर मैं उन्हीं से छुपाना चाहती थी। हलीमा खातून ने जो बताया उससे मेरे दिल में वसवसा बैठ गया कि शायद सुल्तान मौसम इसका कोई हल तलाश कर ले। मलिका, मुझसे बेएतनाही ना बरतें, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हलीमा खातून ने जो कुछ बताया इसकी परवाह किसे है? आखिर तुम मेरे राज को कैसे अफशा कर सकते हो? तुम्हारी वजह से अब ये राज छुपा नहीं रहेगा, सबको मालूम हो जाएगा। तुम्हें अब महल में देखना नहीं चाहती हूं, चले जाओ। मलिका,
तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूं। चले जाओ। सुल्तान मौजम, तबीबा हलीमा खातून और खसूसी हुक्मा भी आ चुके हैं। हुक्म के मुताबिक अंदर बुलाओ। हलीमा खातून, फौरन हुरम सुल्तान की बीमारी के मुतालिक तफसीलात बताएं। सुल्तान मौसम में मुकम्मल तफसीलात बताएं। आप सब अच्छी तरह सुने ताकि इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकें। बताएं। हुरम सुल्तान की सूरत हाल पर तकरीबन एक महीने से पूरी तवज्जो दे रही हूं आका। मनीषा में शहजादे सलीम मोहतरम से मुलाकात के लिए जाते हुए रास्ते में एक आबला निकल आया, वो सिया पड़ गया सुल्तान मौजूद गर्दन के पास छाने पर। लोगों के ऐसे आबले निकले हुए देखे हैं आका, लेकिन मैंने हर इलाज आजमा लिया, कोई फायदा नहीं हो सका। वो सब अल्लाह की रहमत में चले गए आका। अरे गाफिल, तुम कौन होती हो मौत और जिंदगी का फैसला करने वाली? क्या तुम्हारे बस में है ये? हरगिज नहीं आका, फैसला तो सिर्फ अजीम खुदा ही कर सकता है। मैंने तो सिर्फ सूरत हाल की संगीनी से आगाह करना चाहा था। हकीम साहब, ये खातून जो कह रही है वो सब दुरुस्त है क्या? मुआयना करने से पहले कतन कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जिस बीमारी का खातून ने जिक्र किया है वो दुश्वार सूरत हाल इख्तियार करती है, नतीजा मायूसी की सूरत में निकलता है। ऐसा ख्याल अपने जहन में मत लाइएगा हकीम साहब, ये मोहलिक बीमारी दुश्मन की तरह है, हम इसे शिकस्त देंगे। इल्म तिब से मुतालिक जितनी नामवर शख्सियात हैं उन्हें फौरन यकजा किया जाए। इल्म तिब की तमाम नामवर शख्सियात से आप लोग बाहम मशवरा कीजिए और किसी नतीजे पर पहुंचिए। हुरम सुल्तान को सेहतयाब करना होगा, जो भी इसके खिलाफ सोचेगा जान से जाएगा। अमीर तुर्क सल्तनत फातह आलम सुल्तान मुअज्जम, मेरे बाबा जान, आपको यह मकतूब लिखने पर मजबूर होना पड़ा जिसके बायस में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। माजरत चाहता हूं, क्या यह भी लिखवाऊं इसमें? यह ज्यादा मुनासिब होगा शहजादे, लेकिन आप चाहें तो यूं भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे बिरादर शहजादे बियाजत ने जो कुछ भी किया है उसे आपके इल्म में लाना जरूरी है, और अगर मैंने छुपाया तो इसका मतलब आपसे गद्दारी होगी। नाला, मेरी रियासत पर हमला आवर हुआ, मेरे महल पर हमला आवर हुआ, मेरी जान लेने की कोशिश की, ये भी लिख रहे हो ना? जी बिल्कुल शहजादे। इसके अलावा अपनी कनीज़े खास नूरबानो सुल्तान को आए दिन रियासत भेजकर आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है शहजादे। हुरम सुल्तान को खुश रखने में ही फायदा है। इंशाल्लाह वो सही सलामत पहुंच गई होगी। मुराद से मिलने के लिए उसकी बहनें जिद कर रही हैं,
कुछ और वक्त गुजर जाने दीजिए शहजादे, उसके बाद वापस आ जाएंगी, फिर कौन देखेगा, कौन सुनेगा। शहजादा सलीम अपने कॉल पर कायम नहीं रहेगा अब्दुल्ला, मुझे पूरा यकीन है। काश इसके बरखिलाफ हो सकता, लेकिन शहजादे सलीम अपनी नीयत जाहिर कर चुके हैं। ये मत भूलिएगा, अपने बिरादर की किसी किस्म की साजिश में फंसने से खुद को रोकना होगा। ऐसा बिरादर शायद कोई ना होगा। वो उठते बैठते वालिदा का शुक्र अदा करे, वरना उसका क्या हशर होता मैं बखूबी जानता हूं। मैं बखूबी समझ गया हूं कि अगर खुदा न खास्ता सुल्तान मुअज्जम अल्लाह की रहमत में चले गए तो वालिदा भी दीगर लोगों की तरह बियाजत को तख्त नशीन करवाना चाहेंगी। हमारा पहला मकसद उनकी राह में रुकावट बनना है शहजादे, आप फिक्र ना करें, यह मकतूब फायदा मंद होगा। तुम्हें यकीन है ना लाला, मैं दोबारा गलती नहीं कर सकता। हरगिज कोई शक ना रखें शहजादे बियाजत, ये तहरीर पढ़ते ही यकीनन तैश में आ जाएंगे और कोई गलत कदम उठाएंगे, और हम उनकी खता से वक्त जाया किए बगैर सुल्तान मुअज्जम को आगाह कर देंगे। इस तरीके से आप वालिदा को दिए गए वादे पर भी कायम रहेंगे। इस तरह शहजादे बियाजत सुल्तान सुलेमान की नजरों से बिल्कुल ही गिर जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम का शहजादे बियाजत पर एतमाद पहले से ही निहायत कम है। याद रखिए, इस वाके के बाद वो अपनी अहमियत खो बैठेंगे। अब तक मैं गलत रास्ते पर चलता रहा हूं लाला, आज के बाद आपके मुफीद मशवरों और तजुर्बे से मुस्तफीद होता रहूंगा। इंशाल्लाह शहजादे, ये खेल अगर आपने उसूलों के मुताबिक खेला तो शहजादे बियाजत मरहूम शहजादे मुस्तफा की तरह सुल्तान मुअज्जम के अजाब का निशाना बनेंगे और आपकी दिल में ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपके हुक्म के मुताबिक सोना माहे दौरा सुल्तान के पास पहुंचा दिया गया है। मैंने भेजा है ये तो नहीं बताया उन्हें? फिक्र ना करें, अमसिया के एक सर्राफ ने भेजा है, यही बताया गया है उन्हें। आला, मरहूम मुस्तफा बिरादर के मजार की क्या सूरत हाल है? वजीफा मंसूख होने पर वह अधूरा रह गया था। मलिका की खादमा फिदान खातून से मेरी मुलाकात हुई, मलिका के पास जो कुछ था वो सब फरोख कर दिया, उनका बाल बाल कर्जे में है, मजार मुकम्मल नहीं हो सका, ये भेजे गए सोने से वो कर्ज चुका देंगी, उनका तमाम कर्ज खत्म हो जाएगा। यूसुफ कैसा है? उसके लिए जो सामान भेजा था वो पहुँचा दिया? पहुँचा दिया, वो ठीक था माशाल्लाह। मलिका के पेसरजादे की तरह से वो हर वक्त उनके पास रहता है, तुम्हारे लिए सलाम भेज रहा है, मुलाकात चाहता है, पूछ रहा था कब आओगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह। माहिदौरा सुल्तान की सेहत कैसी थी? मजार पे जाते हुए मैंने मलिका को दूर से देखा, वो ऐसी निदहाल दिखाई दी जैसे शहजादे कलीफ हो तुम्हें। बास लोगों की मौत का दुख कभी खत्म नहीं होता हुसैन जाऊश, वो दुख वक्त के साथ नफरत में बदल जाता है। आपका जितना के सराफ की तरफ से भेजे गए सोने से काफी सहारा मिला है, शुक्र है, जो बचा है उसे गरीबों में तकसीम कर दो, पीछे मोहल्ले में यतीमों को खाना भिजवा दो, यही काफी है बस। कम से कम कुछ तो अपने लिए रहने दें। आप कैसे खाएंगी कैसे पिएंगी मलिका? मुस्तफा का नाम लोग ना भूल जाए कहीं, मेरे सिर्फ एक ही तमन्ना है, उसके चाहने वाले उसके मजार की ज्यारत करें, मेरी बदकिस्मत औलाद की रूह के सवाब के लिए दुआ करें, मेरे लिए यही काफी है। ऐसा ही होगा मलिका, ऐसा ही होगा।
शहजादे मुस्तफा की जान लेने वाले जालिम भी खुदा ने चाहा तो जहन्नम की आग में जलेंगे। इस दुनिया में कौन हमेशा रहा है कि वो भी रहेंगे। काफी अरसे से ख्वाब में सुल्तान सुलेमान को देख रही हूँ। वो तारीकी में किसी उजाड़ बियाबान में दिखाई देते हैं। शायद ही कोई अलामत हो, वो शायद बीमार हो या मौत के करीब हो। उम्र भी काफी हो गई है उनकी। मैंने अपना हिसाब अल्लाह के हवाले कर दिया है। जालिम को सजा मिलेगी, मुतमईन रहो। मुझे खुशामदीद कहने में क्या तुम्हें मुश्किल हो रही है रुस्तम पाशा? अपनी हैरत पर माजरत चाहता हूँ मलिका, लेकिन कुछ देर कबल सुल्तान मुअज्जम के खाबगाह से हुक्मा को निकलते देखा है। क्या हुआ मलिका? आका की तबीयत क्या फिर से नासाज हो गई? सुल्तान मुअज्जम के लिए नहीं, वो मेरे लिए आए थे। मेरे ख्याल में उन्हें मेरा इलाज तलाश करने का हुक्म दिया गया है। मैं कुछ अरसे से बीमार हूं। तमाम हुक्मा बहुत परेशान कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं, तुम उनकी बातों में ना आना। अल्लाह हिफाजत करे। सफर की थकन से तबीयत मुतासर हुई होगी, अल्लाह आपको शिफा दे। मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती हूं। महरमा को भी मालूम ना हो, बिलावचा वो सुन के परेशान हो जाएगी। मलिका आप बेहतर नजर आ रही हैं माशाल्लाह। मनीषा में जो पेश आया उसकी खबर है क्या तुम्हें? मलिका दोनों शहजादे बारूद और आग की तरह हैं। जैसे ही मुकाबला आते हैं झगड़ा रूनुमा हो जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस वाक्य का मुशाहिदा कर आई हूं इससे साबित होता है कि वो दोनों नहायत पुरखतर रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों शहजादे एक दूसरे के लिए कुआं खोदने का मौका तलाश करते रहते हैं। ना लुकमान, ना फारिहा, ना लाला, कोई भी उनके दरमियान ये चपकलिश रोकने के लिए काफी नहीं है। मलिका उन्हें इस फितने से दूर रखने वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो आप हैं मलिका। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। मलिका बखैरियत तो है ना? ठीक हूँ। मुझे जरा पानी देना। तुम लोग जाओ। शहजादी दो लुक्मे ही खा लीजिए। आप उदास ना हो शहजादी, आपने सीनियर की जान बचा ली, उन्हें आजादी दे दी आपने। जो मुनासिब था वही हुआ, इसमें शक नहीं,
लेकिन जाने से पहले उसे आखिरी बार देखना और अलविदा कहना चाहती थी। मुझे इसका मौका भी मुयस्सर ना सका। मैं अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा, रुस्तम पाशा के फैरो गजब से बचाएंगी आप मुझे। ये सीनियर पैड्रो ने भेजा है। संबल, हुक्म कीजिए मलिका। किसी प्यारे की मौत कयामत की तरह होती है मलिका, कयामत। अगर आपको कुछ हो गया तो याद रखिए, सुलेमान बैठ जाओ। ठीक हो तुम? कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं? आपकी मौजूदगी में क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तुम्हारे बगैर ना मेरा दिन गुजरता है हुरम, ना मेरी रात। माजी की बातों को फरामोश कर देना चाहिए, बहुत वक्त गुजर चुका है, अब एक दूसरे को माफ करते हैं। कहने के लिए आप भी बहुत खूबसूरत अल्फाज बाकी हैं। हर शर में कोई खैर होती है। मेरी इस बीमारी के वसीले से आप हमेशा मेरे पास रहेंगे तो दुनिया की सब तकलीफें बर्दाश्त करने को तैयार हूं मैं। तुम ठीक हो जाओगी हुरम, अल्लाह ने चाहा तो पूरी तरह सेहतमंद हो जाओगी। तुम्हें मकतूब तहरीर किया था, मुताला किया। बाद बरसों के कागज पर तहरीर सत्रों ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी। हर सतर का हजार बार भी मुताला करूं तो दिल नहीं भरेगा। तो फिर तुम समझ गई होगी कि तुम्हारे पास आने का, तुमसे प्यार जताने का तुम्हारी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी वजह तुम हो। मैं बरसों तक महरूम रहा तुम्हारी मोहब्बत से। प्यारी दुख्तर, बीमार हो गई है तुम? कहीं दर्द हो रहा है क्या? मेरे गले में दर्द हो रहा है। क्या हुआ है मेरी दुख्तर को गुलशन काल्फा? तबीबा ने मुआयना किया है शहजादे, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मां की हसरत है बस। इन्हें मामता दफने खातून से मिली थी, उन्हें हमेशा के लिए खोने से बीमार पड़ गईं। क्या चाहिए मेरी प्यारी दुख्तर को, बताओ जल्दी। दफने चाहिए मुझे। ये नामुमकिन है दुख्तर। दफने खातून से नाकाबले माफी खता सरजद हुई है, सजा भी भुगतनी होगी उसे। दफने खता नहीं कर सकती। माफ कर दे उसे बाबा जान। जिसके दिल से रहम खत्म हो जाए उसे संग दिल कहते हैं, लेकिन यह फैसला करना मुश्किल है कि किस पर रहम किया जाए और किस पर नहीं, क्योंकि जिस पर भी रहम किया जाए वो अगले रोज अपनी खता दोबारा भी कर सकता है। इसलिए हमें हमदर्दी से काम नहीं लेना चाहिए, समझ गए तुम? मेरी बात गौर से सुनो। कुछ अरसे के बाद मैं यहां नहीं रहूंगी तुम्हारे पास,
ये तुम्हारे पास अमानत होगा, बड़ी बहन की तरह इसका ख्याल रखना। आप कहाँ जा रही हैं? क्या आप हमें अकेला छोड़ देंगी? शहजादे बयासत मुझे यहाँ अपने अतराफ देखना नहीं चाहते। तुम्हारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी डाल रही हूँ, मुझे इसका एहसास है मेरी प्यारी बहन, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारना, अपने कदमों पर खड़ी रहना और मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए खुद को तैयार रखना। समझ गई? खैर की खबर मिलेगी मुझे उम्मीद है। तमाम माहिर हुक्मा को बुलाया गया है, तुम्हारा मुआयना करेंगे। तलत आगा, बुलाओ सब हुक्मा को। आपका जो हुक्म सुल्तान मौज़म। तुम लोग यहीं ठहरो। गरीब वतन आशिक ने अपना दिल निछावर कर दिया है। ऐ खूबसूरत शहजादी, इसका क्या मतलब है? ऐ परिवश, ऐ मावश, जब आप मेरी आंखों में झांकती हैं तो क्या आपको उसका मतलब समझ नहीं आता? आपने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन मैं अब तक के गुलाम हूं। मेरे साथ आए। मैं जानता हूं आप मुझे पागल कहेंगी, लेकिन जान लीजिए मैं होश और हवास में हूं। दो रोज बाद मेरा जहाज जाने वाला है, मैं आपको पेशकश देना चाहता हूं। मेरे साथ चलें आप शहजादी। होश में तो क्या, आखिर तुम क्या कह रहे हो? शहजादी मेरी बात माने, खुदा के लिए, आपका हुस्न इतना उदास है कि मैंने जब आपको पहली बार देखा इस उदासी ने मेरा दिल चीर के रख दिया। दुनिया की सबसे बासर, ताकतवर, सबसे हसीन खवातीन में से एक हैं आप। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप खुश नहीं हैं। और मैं अपनी सारी उम्र आपकी खुशी की खातिर कुर्बान कर दूंगा। हम यहाँ कोई भी निशानी छोड़े बगैर यहाँ से फरार हो सकते हैं। कैसे फरार की बात कर रहे हो तुम आखिर? शहजादी, जिंदगी सिर्फ आपके महल में या फिर यहां तक महदूद नहीं, एक दूसरी दुनिया भी है, दूसरे समंदर भी हैं आपके और मेरे लिए। ये मुमकिन नहीं है पेत्रो। मैं एक शहजादी हूँ और तुर्क सल्तनत के बादशाह सुल्तान सुलेमान खान की दुख्तर हूँ। शादीशुदा हूँ, मुसलमान हूँ मैं। मेरी जिंदगी यहीं तक महदूद है, हमारे रास्ते अलग हैं। मेरी बात मान लीजिए, आप सब कुछ तर्क कर सकती हैं। मैं इक्तदार के साए में, शान और शौकत की परछाई में पैदा हुई। मैं ना तो इक्तदार छोड़ सकती हूँ और ना ही शान शौकत तर्क कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई और दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ फरार होना तो क्या, ऐसा सोचना भी गुनाह है। मेरे इलाके में एक मशहूर कहावत है, किसी खातून को ये बताना कि वो क्या नहीं कर सकती, असल में वो क्या कुछ कर सकती है, इससे मुराद ये होती है। कवायद और जवाबित जिस जिंदान में आप कैद हैं उसकी चाबी है, वो आपकी राह में हायल नहीं हो सकते। इनकी पाबंदी करना बिल्कुल जरूरी नहीं, तरजीह आप तय करेंगी। कैद में रहना है कि नहीं रहना, यानी आजादी आपकी है। सिर्फ आप शहजादी, आप इसे मुंतखब कर सकती हैं। शहजादी, हमें वापस चलना चाहिए।
के जवाब का इंतजार करूंगा शहजादी। سلطان معظم ہمیں اجازت دیجئے کہ پہلے ہم ملکہ کی صورتحال کے بارے میں باہم مشورہ کر لیں، اس کے بعد آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دیں گے۔ حالہ تم جا سکتے ہو۔ اگر تمہاری بیماری کا کوئی جسم ہوتا تو اور وہ میرے مقابل آ کر مقابلہ کرتا، وہ میری تلوار کا رزق بن چکا ہوتا۔ میں بے حد خوش ہوں سلیمان، آپ کے ساتھ نے مجھے ہمت دی ہے۔ اگر یہ بیماری سات سروں والا سانپ بھی ہے تو میں اسے شکست دوں گی۔ میری ملکہ، میرے دل کے تخت پہ راج کرنے والی صحت مند ہو جاؤ گی تم جلد۔ نشانہ باندھیں، کھینچیں، چھوڑیں، اتنا بھی برا نہیں۔ ایسے ہی مشق کرتے رہے تو شہزادے بیعزت کے جانثاروں میں جگہ حاصل کر لیں گے۔ آپ جاری رکھیے شہزاد خان، مجھے اجازت دیں۔ خیر تو ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ منیسا سے، لالا مصطفیٰ صاحب نے بھیجا ہے، شہزادے بیعزت کے لیے مکتوب لایا ہوں۔ مجھے دے دو، میں ان کا مصاحب ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، لالا نے مجھے بذات خود ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ شہزادے لالا مصطفیٰ نے آپ کے لیے ایک مکتوب بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، شہزادے بیعزت محترم، شہزادے سلیم نے سلطان معظم کو مکتوب ارسال کیا ہے۔ نیت صاف ظاہر ہے کہ اپنی خطاؤں کی پردہ پوشی کر کے آپ کو ناحق ثابت کیا ہے۔ شکر ہے اس مکتوب کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی میں نے روک دیا، اور آپ خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس لیے آپ کے پاس ارسال کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا عاجزانہ مشورہ ہے کہ آپ شہزادہ سلیم کو ایک مکتوب لکھ کر انہیں مناسب الفاظ میں نصیحت کر دیجیے۔ اس کا یہ مطلب کیا کیا شہزادے؟ یہ معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے عبداللہ، سلیم کو ہرگز چین نہیں آ رہا۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے شہزادے؟ پیدرو نے مہرما کے مرض کی دوا کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قابل حکیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حورم کا بھی معائنہ کرے وہ۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا میرے آقا، وہ صرف باتیں ہی بناتا ہے۔ مہرما سلطان خود بخود ٹھیک ہوئی ہیں، طبیبہ نے ابھرنے والے نشانات کا سبب موسم کی تبدیلی کو بتایا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ شخص دھوکے باز ہے۔ مہرما کا خیال تمہارے برعکس تھا، پیغام بھیج کر اسے بلواؤ، ملکہ کی صورتحال کا وہ بھی معائنہ کر لے۔ یہ اب ممکن نہیں ہے میرے آقا، مہرما سلطان نے اسے آزاد کر دیا ہے، وہ اپنے وطن واپس جانے کے لیے محل سے بھی جا چکا ہے۔ آخرکار وہ کیسے چلا گیا؟ مہرما سلطان کی رحم دلی آپ جانتے ہی ہیں،
पेड्रो तुम कहीं गायब ना हो जाना, हम कुछ देर में रवाना हो रहे हैं। हमें तो शाम को निकलना था। इसका फैसला हवा करेगी पेड्रो साहब, तुम बस तैयार रहो। किसी भी तरह हवा चलने से पहले शहजादी यहाँ आ जाए। पेड्रो नामी हुकम नसल चला क्या पाया तख से? उसका जहाज शाम से पहले रवाना हो रहा है पाशा, वहां मुखबर छोड़ा हुआ है, खबर दे देगा हमें। हकीम से कहो मेरे पास आए। इंसान का जिस्म अगर बीमार होता है तो उसकी रूह भी बीमार हो जाती है। अगर रूह को तकलीफ होती है तो वजूद पर असर होता है। आपकी सूरत हाल यही है शहजादी, ये जख्म, जिल्द पर उभरने वाले ये निशान, शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आप क्या तलाश कर रही हैं शहजादी? शहजादी, सीनियर ने जो कुछ कहा उसे अपने जहन से महव कर दीजिए, इसके नतीजे में कयामत आ सकती है। पेड्रो का जहाज रवाना होने से पहले मुझे वहां पहुंचाना है। आओ। मुझे याद फरमाया आपने पाशा। ये बताओ मलिका की सूरत हाल क्या है? सुल्तानी मुअज्जम काफी परेशान है। मैं ये नहीं बता सकता पाशा। तुम्हें खामोश रहने की तंबी की गई है, मैं जानता हूं, लेकिन मसला अगर हुरम सुल्तान का है तो ये मसला सल्तनत आलिया के मुस्तकबिल का भी है हकीम साहब। सुल्तान मुअज्जम ने यही हुक्म फरमाया है पाशा मोहतरम, माजरत, मालूमात नहीं दे सकता। ऐसी बातों से तो मलिका की सूरत हाल नहायत संगीन है, यह आश्कार हो रहा है। लेकिन अल्लाह माफ करे, मलिका को अगर कुछ हो गया तो खानदान को शदीद धचका पहुंचेगा। इस अजीम सल्तनत की बका के लिए मैं हर चीज से बाखबर होने के लिए मजबूर हूँ हकीम साहब, समझ गए मेरी बात? शहजादे, ये कुछ ज्यादा सख्त जवाब नहीं है? सलीम सिर्फ ऐसे ही जबान समझ सकता है। शहजादे, ऐसा जवाब देना हरगिज दुरुस्त नहीं होगा। तुम आखिर मुझसे कैसी तवक्को रखते हो अब्दुल्ला? मुस्तफा बिरादर की तरह क्या मैं भी अपने जमीर पर कुर्बान हो जाऊं? अल्लाह कभी ऐसा ना करे, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था। अगर तलवारें सूंख ली जाएं और बरादर का खून बहाने की नौबत आ जाए तो यह खून आपका नहीं होना चाहिए। मैं इस राह पर आपके साथ आखिरी दम तक हूं, आप मेरा यकीन रखिए। के लिए खुसूसी मसला दरपेश है।
करें आप आ गई शहजादी, मैंने बहुत दुआएं की थी। मैं कैसे यहाँ तक आ गई मुझे नहीं मालूम। अब तो हम ही ना भूल जाए सब कुछ। कुछ ही देर में जहाज रवाना होने वाला है, जहाँ आप नहीं होंगी मैं शहर में कैसे रह सकता हूँ। जहाज में आपके लिए जगह मुख्तस करवाता हूँ, मल्लाह से बात करके आपके लिए खुफिया जगह। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ अलविदा कहने आई हूँ। नहीं हायर, आप मेरे साथ जाने के लिए आई हैं, हिम्मत से काम लें आप। तुम ख्वाब जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर मैं यहीं रह जाता हूँ, मुसलमान हो जाऊंगा। और आप पाशा से मोहब्बत नहीं करती मुझे पूरा यकीन है। तुमने मेरी बीमारी का इलाज किया, मैंने इसके बदले में तुम्हें आजादी दी। मेरे नसीब में शहजादी होना लिखा था। मैं अपने महल अपने शौहर के पास वापस जाऊंगी। तुम भी अपने वतन वापस जाओ, मुझे भूल जाओ। को किस तरह पहुंचा भी कुचल दिया। एतबार को चलने वाली कोई हरकत नहीं की मैंने। ये मसला मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, वो कभी दोबारा नहीं आएगा। सीनियर का अपने नाम भी नहीं लूंगी, कभी इसका यकीन कर सकते हैं तुम? खेलते हैं, हसीन परिंदे चहचहाते हैं,
जाते वक्त मेरी एक निशानी अपने हमरा लेते जाओ, शायद ये तुम्हारे रूह को मुसरत पहुंचा सके। जहाँ तुम्हारा वतन है, जहाँ हसीन फूल खिलते हैं, हसीन परिंदे चहचहाते हैं, जाते वक्त मेरी एक निशानी अपने हमरा लेते जाओ, शायद ये तुम्हारे रूह को मुसरत पहुंचा सके। हुरम सुल्तान की बीमारी के हवाले से हम हुकमा की मशावरत जारी है, उनका कैसे इलाज किया जाए, किस तरह किया जाए, इसके बारे में गुफ्त शनीद जारी है। सुल्तान मौसम, मलिका की हालत कैसी है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। हकीम साहब, ठीक नहीं है सुल्तान मौसम, सूरत हाल संगीन है। पहले भी इस बीमारी में जितने लोग मुब्तला हुए वो हरगिज ना बच सके, अफसोस है कि तजर्बे से यही साबित होता है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मलिका के अज़ाए बदन पूरी तरह सलामत हैं और उनकी हिम्मत भी बाकी है, शाने पर आबला भी खत्म हो गया है, ऐसा ही है क्या? इस बाइस फरेब में मुब्तला ना हो सुल्तान मौज़म, हलीमा खातून ने मरहम तैयार किया था इसलिए आबला खत्म हो गया, लेकिन वो दोबारा जाहिर होगा। अगर जाहिर ना हुआ तो? ठीक हो गया तो क्या मतलब होगा? हमें अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सुल्तान मौज़म, शिफा बख्श पानी से फायदा हो सकता है। मलिका को मैं बुरसा में वाके गर्म चश्मे पर जाने का मशवरा दूंगा। इससे कोई फायदा होगा क्या? इंशाल्लाह सुल्तान मौज़म, इंशाल्लाह। आप सब जा सकते हैं।
आओ। पाशा मोहतरम, सिन्योरा मेंदेस तशरीफ लाई हैं। आपसे शर्फ मुलाकात की मुंतजर हैं। आने दो उन्हें। क्या हुआ आपको वालिदा? आपके पर उदासी का सबब क्या है? मेरे लिए परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। आओ। शहजादी, सिन्योरा ग्रासिया मेंदेस आई है। जिसका जिक्र हो रहा है वो ही होती ताजर। उसकी आमद का सबब क्या है? पाशा। सिन्योरा मेंदेस, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया पाशा। मेहरमा सुल्तान कहाँ है? उनसे भी मिलना चाहती हूँ मैं। किसी और वक्त। तशरीफ रखिए। आपकी इनायत के आपने मुझे शर्फ मुलाकात बख्शा, उसके बदले में मैं एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ। शहजादी, क्या है इसमें? सिन्योरा मेंदेस पाशा के लिए तोहफा लाई है। उसकी जरूरत देखो जरा। सुल्तान वो आप ही होंगे। सिन्योरा मेंदेस, तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिशमंद थी। खुश आमदीद, खुशी हुई आपसे मिलकर। शर्फ है मेरे लिए, ये महल भी आपकी तरह नहायत पुरकशिश है। शहजादी, अगर कोई अहम बात नहीं कहनी तो सिन्योरा मेंदेस से मुझे बाज अहम मसाइल पर गुफ्तगू करनी है, सल्तनत के मुतालिक। आना, मैं ख्वाब का चाह रही हूँ। सिन्योरा, शहजादी। परेशानी की बात नहीं, शहजादी को तो बहुत तेज बुखार है गुलशन का अल्फा। शहजादे, छोटी शहजादी बीमार नहीं है, खाना पीना छोड़ने की वजह से यह हालत हो गई है इनकी। आप तो जानते हैं बचपन में ही इनकी माँ फौत हो गई, उसके बाद वो दफने खातून के करीब हो गई। मेरी हद तो नहीं, लेकिन इनके ठीक होने तक दफने खातून को इनके पास रहने दें। अपने हाथ से तजावज किया ये मत सोचिएगा। मैं मौका महल की मुनासबत से जो भी महसूस करती हूँ वही कह देती हूँ। चमकदार साफ आसमान के बावजूद मैं उठने वाले तूफान को महसूस कर लेती हूँ। हिस बहुत तेज है मेरी, आप जैसे नजर आते हैं दरहकीकत वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैसा नजर आता हूँ ये जानना चाहता हूँ दरहकीकत। आपके मुतालिक कहा जाता है कि आप हंसना मुस्कुराना नहीं जानते, और ये कुछ ऐसा गलत भी नहीं। आपके चेहरे से दुख झलकता है, लेकिन आपके अंदर कोई और ही इंसान छुपा हुआ है। मैं जैसा नजर आ रहा हूं वैसा ही हूं। पहले मुझे ये लगा आप मुझे को हरगिज पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी ये सोच बेवजह थी, आप समझ सकते हो। दुरुस्त सोच है आपकी सिन्योरा,
लेकिन मेरा जहन अब बदल गया है। एक अच्छा वजीर आजम सुल्तान मुअज्जम के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं करता बल्कि उनके फहम व फरासत को भी समझता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हमारे बादशाह अपने दिल में गैर मुस्लिमों के लिए भी नरम गोशा रखते हैं। जैसे एक गुलदस्ते में बहुत से फूल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह सल्तनत में बहुत से लोग रहते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों के फूलों को मुख्तलिफ जमीन पर बोना मुश्किल होता है, ऐसा ही इंसानों के साथ है। सुल्तान मुअज्जम को सुकून पसंद है। मैं भी इसी तरह सुल्तान मुअज्जम की पैरवी करते हुए मुख्तलिफ अकसाम के फूलों को देखकर बहुत खुश होता हूं। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी। आपके साथ वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जा रहा हूं, शहजादी को खबर दे देना। आओ। सिनियोरे के महल में है अब तक? वो कुछ ही देर पहले चली गई है। माजरत, लेकिन रुस्तम पाशा से काफी करीब थी वो। रुस्तम अपने दाने से मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। फासिल, तुम जा सकते हो। जरूरी काम था। हम घुड़सवारी के लिए चलेंगे। सिनियोरा मेंडेस से मुलाकात बेहद तवील रही। मेरा दिल जलाने की कोशिश कर रहे हो, अफसोस की बात है।
यकीन करो तुम्हारा दिल जलाना हरगिज मेरा मकसद नहीं था महरमा। सिनियोरा मेंदेस से मुलाकात तुम्हें दुख देने के लिए नहीं की थी। आओ। शहजादी, पाशा, सुम्बुल आगा आए हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। वाले तो नहीं आए क्या? नहीं, सुम्बुल आगा अकेले ही आए हैं। भेज दो। पाशा महतरम, उसने भी मिसाल की मालिक महरमा सुल्तान। खैरियत सुम्बुल, कैसा हाल हुआ? शहजादी, मेरी आमद के बारे में किसी को नहीं मालूम, खुदा के लिए उन्हें मालूम भी ना हो। मलिका ने मुझे महल बदर कर दिया है शहजादी। कुछ अरसे अपने घर में रहा लेकिन वो जिंदान बन गया, वहां ना रह सका। वालिदा, खैर तुम्हें क्यों निकाल सकते हैं सुम्बुल? मलिका की तबीयत जरा नासाज हो गई है। इस बारे में सुल्तान मौसम को मैंने बताया तो वो बरहम हो गई, और अगर उन्हें इल्म हो गया कि मैंने आपको भी बता दिया है तो मुझे पैर तक से भी निकाल देंगी। क्या हुआ है वालिदा को? कसम से मुझसे नहीं, हुरम सुल्तान से ये सवाल पूछिए तो बेहतर होगा शहजादी। अल्लाह तुमकी हिफाजत फरमाना। आप परेशान ना हो शहजादी, मलिका ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। काश कि मैं भी उनके पास होता। तुम उनके पास रहोगे वालिदा, तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें आजाद कर दिया उन्होंने, तुम फिर भी उनके साथ हो। ये जंजीर मेरे हाथ पांव में नहीं है शहजादी, मेरे दिल में है। मेरे तजस्सुस को माफ फरमाइए शहजादे, आपको परेशान करने वाला मसला आखिर क्या है? शहजादे, घबराए मत लाला, यासिफ हमारे दोस्तों में से हैं। कुथाया से आया है, शहजादे बियाजत मोहतरम ने भेजा है। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके कमरे खास में ले जाता हूं। जरूरत नहीं, क्या है इसके अंदर? कोई मालूमात नहीं शहजादे, मुझे भी तजस्सुस है। दिल आमादा नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसा ही है। अपने गुनाहों को फरामोश करके तुमने सुल्तान मौसम से मेरी शिकायत की। हमेशा तुम यही कुछ करते रहे हो, खवातीन की तरह बुस्तली से छुप कर वार करते रहे हो। मेरा तोहफा देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हें खुशी नहीं हुई तो, और अगर तुम्हें मर्दानगी की जरा सी भी रमक बाकी है तो, अगले महीने के पहले रोज समावा में अपनी शमशीर समेत आना। मर्द बनकर अपना ये मसला हमें मर्दों की तरह हल करना चाहिए, और अगर तुम फरार अख्तियार करोगे तो ये लिबास खुशी खुशी पहन लेना। शहजादे, आपका मकतूब और वो तोहफा शहजादे सलीम तक पहुंच चुका होगा। क्या कहते हो तुम अब्दुल्ला, सलीम सामना करेगा क्या हमारा? नामुमकिन, वो इसकी जुरत करेंगे मैं नहीं समझता। मेरा अंदाजा है कि भेजा गया तोहफा वो सुल्तान मौजम को भिजवा देंगे। वो हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी होगा उसे होने दो। वालिदा सुल्तान मौजम के सामने मेरी हिमायत करेंगी, और अब जबकि सलीम ने एक मरतबा फिर वादा खिलाफी की है, उन्हें शदीद हैरत होगी, इसलिए मैं मुतमईन हूं। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि दूसरी बात हो और सलीम मेरे मुकाबले आ जाए। पहली बार ही सही में एहतराम करूंगा उसको। वो संदूक सुल्तान मौसम को वक्त जाया किए बगैर भेज देना चाहिए। इस बेहुरमती की उन्हें बाहर तौर पर सजा मिलनी चाहिए।
इसे कहीं भी नहीं भेजा जाएगा लाला। व्याजत को अपने किए की सजा जान देकर चुकानी होगी। मैं उसके रूबरू उसका मुकाबला करूंगा। ये नामुमकिन है शहजादे, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। ये तय नहीं हुआ था। शहजादे व्याजत की गलती को सिर्फ जाहिर करने की नियत थी हमारी। इस तरह बरहम होने की जरूरत नहीं। मैं एक शहजादा हूँ लाला, कुछ भी हो जाए मैं ऐसी तहजीब कबूल नहीं कर सकता। व्याजत मेरा सर कलम करना चाहता है, उसे करने दें, लेकिन ये इस तरह जिंदा रहने से हजार दर्जे बेहतर होगा। फौरन तैयारियां शुरू की जाए लाला, उसका मुकाबला करूंगा मैं। शहजादे फैसला कर चुके हैं, लेकिन शहजादा सलीम उनकी पेशकश हरगिज कबूल नहीं करेंगे। शहजादे का मुकाबला हरगिज नहीं करेंगे। एक बिल्ली पर भी शदीद हमला किया जाए तो वो एक शेर की तरह जवाबी हमला करती है। हुसैन चाउश, ये दुश्मनी अगर यूं ही जारी रही तो एक तेज आग की तरह फैल जाएगी और इस पर कोई काबू नहीं पा सकेगा। शहजादे सलीम अगर मुकाबले पर आमादा हो गए तो हैरत की बात नहीं। तो फिर शिकस्त खाएंगे वो। उसके बाद क्या होगा? सुल्तान सुलेमान शहजादे बयाजत की जान बख्श देंगे क्या तुम्हारे ख्याल में? ये सब रूनुमा होने के बाद शहजादे बयाजत का बाल भी बीका ना कर सकेंगे। कुछ भी होने से पहले हुरम सुल्तान रुकावट बन जाएंगी, फिर कौन तख्त के वारिस को नजरअंदाज कर सकेगा? दुरुस्त, और इस सूरत में मोहतात रहने में फायदा होगा। शहजादे बयाजत की हिफाजत करना मरहूम शहजादे मुस्तफा की जानिब से फर्ज है हम पर। शहजादे पर हमारी जान भी फिदा है। हमने एक शेर को तो खो दिया, अब दूसरे को हरगिज नहीं खोएंगे। क्या हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? करने के लिए कुछ भी नहीं है। हकीकत कबूल करने पर मजबूर हैं हम सुल्तान मौसम। मलिका के शाने पर नया अबला नमूदार हो चुका है, आप ये बखूबी जानते हैं। मुझे अफसोस है कि इलाज से फायदा नहीं पहुंच सका, ये इसी की अलामत है। बुरसा की गर्म चश्मे से फायदा पहुंचेगा क्या? हमें हर इलाज आजमाना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। से कोई फायदा नहीं होगा सुल्तान मुअज्जम, और फिर जब सूरत हाल ऐसी हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था लत, ये बीमारी मैंने आज तक जितनी बीमारियां देखी हैं सबसे संगीन और खतरनाक दुश्मन की तरह है। हुकुमा जो उम्मीद दिखाते रहे वो भी खत्म हो गई। अब मैं बेबस और लाचार हूँ और मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। ये तकदीर इलाही है सुल्तान मुअज्जम, इससे कौन फरार हो सकता है? मौत के चुंगल से कौन बच सका है? आपके इख्तियार में सिर्फ दुआ करना है। मायूस होने के बजाय दुआ कीजिए, और इसके अलावा आप फरामोश ना करें, मलिका को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। उनका वाहिद इलाज सिर्फ आप हैं, आप और आपकी मोहब्बत। कुलफाम को तैयारी का हुक्म दिया है, जल्द रवाना हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? बुरसा जाएंगे। बुरसा जाएंगे? वहाँ एक चश्मे पर हकीम ने बताया उस गर्म पानी से शिफा मिलेगी और आबो हवा नहायत मुफीद है। क्या वो मकाम आपके रंजो गम का पाया तख्त नहीं है? अगर तुम्हें कोई तरद्दुद है तो। सुल्तानी मौसम, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई है। सुलेमान, आने दो। सुल्तानी मौसम, मेहरमा, वालिदा आपकी तबीयत की नासाजी का मालूम हुआ। ऐ मेरे खुदा, रुस्तम पाशा ने बताया है क्या? सुंबल आया था, उसे निकाल दिया आपने, वो काफी परेशान था। क्या हुआ है वालिदा, मुझे क्यों खबर नहीं दी आपने? मेहरमा, मेरी जान सी दुख्तर, तुम देख रही हो कि तुम्हारी वालिदा बिल्कुल ठीक है और बेहतर है। ऐसा ही है, सुंबल को नहीं जानती क्या?
मुबालगा आराई के सिवा कुछ नहीं करता। शुक्र खुदा का, यकीन करें यहाँ आने से पहले मैं बेहद अजियत में थी। क्या हुआ है फिर? तबीयत बोझल है, शाने पर तो आप ले निकल आए हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हम बुरसा जा रहे हैं गर्म पानी के चश्मे पर, इंशाल्लाह वहां शिफा मिल जाएगी मुझे। वालिदा की तबीयत नासाज है, तुम इसकी खबर थी, मुझे क्यों नहीं बताया? दीगर मामलात में इतनी मसरूफ होने के बायस तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। आइंदा कतन ऐसा मत करना। सुल्तान मौजूम और वालिदा के मुतालिक तमाम अहम मालूमात तुम मुझे दोगे। मैं शहजादी हूँ। अच्छी शहजादी हो तुम। अपनी वालिदा के सेहत के मुतालिक, अपने बिरादर के मुस्तकबिल के मुतालिक मुझसे सवाल करने वाली शहजादी तुम इस खानदान से मंसूब हो, लेकिन तुम असल ताकत मुझसे ले रही हो। महरमा ये बात हरगिज मत भूलना, मैं तुम्हारा शोहर होने के सबब इस मनसब पर फाइज नहीं हूँ अब तक। खानदान के गुज़िश्ता दामाद जो इस मनसब पर फाइज रहे, जरा उन्हें याद करो महरमा, उनका अंजाम सब लोग जानते हैं। जरा मेरा उनसे मुआवजा करो, मेरी ताकत और काबिलियत का अंदाजा हो जाएगा। मैं नहीं पीऊंगी, ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। देखने से एक बार मिलने दे बाबा। गुलफाम खातून आपसे मुलाकात चाहती हैं मलिका। भेज दो। मलिका, मैं आपके लिए फिक्रमंद थी। आओ गुलफाम बैठो। सुल्तान मौजूद ने बरसा जाने का हुक्म दिया है, मैंने तैयारी का हुक्म जारी कर दिया है। मेरी तजस्स को माफ फरमाए मलिका, हुक्म की आमदोरफ जारी है, हरम में हलचल सी मची हुई है, हर कोई आपके बीमार होने की बातें कर रहा है। हर किसी को जो मालूम है उसे छुपाने की जरूरत नहीं। मैं बीमार हूं ये दुरुस्त है, मर्ज काफी बिगड़ चुका है। सुल्तान मौजम इलाज की तलाश में है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कोई संगीन बात नहीं होगी। अल्लाह ही जानता है, उसके सिवा और कोई नहीं जानता, इस वजह से ये बात आपस में ही रहे। जी बिल्कुल। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूं मलिका? हरम तुम्हारे पास अमानत है गुलफाम, आज तक तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया है, आइंदा भी मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बहुत तवील अरसे से हम साथ हैं, अरसा गुजर गया, माजी की जानिब देखती हूं तो अच्छे दिनों से ज्यादा हमने बुरे दिन गुजारे हैं, झगड़े नाराज किया। इंशाल्लाह तुमने सब कुछ फरामोश कर दिया होगा, शायद अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए तलखी नहीं होगी। मलिका,
आखिर आप ये क्या कह रही हैं मुझसे? लगता है अलविदा कह रही हैं। कहीं खुदा ऐसा वक्त ना दिखाए, कहीं आपकी बीमारी। सुल्ताने मौसम को फिलहाल इसका इदराक नहीं। मैं मौत के कदमों की आहट सुन रही हूँ। ऐसी बातें मुझसे ना निकालें, अल्लाह से बिल्कुल भी नामीद ना हूँ। मेरे तमाम रंजोखम का यही नतीजा बरामद होना था। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जितना खून बहाया, जितने आंसू बहाए, इसका बदला यही मिलना था। अल्लाह जो कुछ चाहेगा वो ही रोनुमा होगा। वो मेरी कहानी का अंजाम ऐसे ही चाहता है शायद। इस महल में हर किसी के पास अपनी एक कहानी है, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी तो एक दास्तान है मलिका। किसी के लिए आप एक नेक दिल परी थी मलिका, और किसी के दिल में आपके लिए सिर्फ नफरत थी। हर दास्तान का अंजाम भी तो होता है। हम सब फानी हैं, हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं इस इम्कान के बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सूरत हाल जैसी आप बता रही हैं वैसी है, तो मेरी जानिब से आपके लिए कोई नाराजगी, कोई शिकवा नहीं है, यकीन रखिए। शुक्रिया, तुम्हारी बातों से मुझे हौसला मिला है। आओ। शहजादे दफने, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया शहजादी। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, और मैंने सुना है कि आप खाना भी नहीं खा रही। मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मेरी खातिर आपको खाना पड़ेगा। अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको, फिर खाएंगी ना मजे मजे के खाने। के लिए आपकी शुक्रगुजार हूं शहजादे। उसे मेरे पास लाकर आपने मुझ पर अजीम एहसान किया। तुम्हारी बहन भी है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी आ जाएगी वो यहाँ, आप भी मिल लीजिएगा अगर शहजादे मुझे इजाजत दें तो। आ जाएगी वो यहाँ। ऐ खंदा चेहरे वाले मेरी मोहब्बत, तुम्हारे हुस्न का चर्चा तमाम आलम में है। कैसा शानदार हुस्न है, गुलाब सा शगुफ्ता चेहरा है। मुझे हैरत है तुम्हारी जुल्फ का रंग देखकर और इसकी महक महसूस करके। कैसी शानदार जुल्फे हैं, कैसे इनके पेट जो खम है। मैं हर वक्त तुम्हारी जुल्फ की खुशबू से मशहूर रहता हूँ। कैसी खुशबू है, कैसा इत्र है। मेरे अश्क लहरे बनकर मुझे बहा ले गए। कैसे अश्क हैं, कैसी लहरें हैं, मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। मुहिब्बी लम्हे भर में तुम्हारा दीवाना बन गया। कैसा दर्द, कैसा इश्क, कैसी चाहत है ये।
किसी तौर हसीन कहलाने के लायक नहीं। मेरी मुस्कुराहट औलाद की परेशानियों में कहीं गुम हो गई। मेरा हसीन चेहरा खूबसूरत दिनों की याद बनकर रह गया है, एक उदास कर देने वाली याद। तुम्हारी मोहब्बत हासिल ज़ीस्त है हुरम, तुम्हारी मोहब्बत के साए में एक एक लम्हा पुरसुकून और फरत बख्शता। गुजरते हुए हर दिन के साथ तुम्हारी वक्त बढ़ती चली गई। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे रूतीनिया की वो हट धर्म शोहला रू पर हम रहने वाली कनीस याद आती है। मैं रब का शुक्र अदा करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। सलेमान, मेरी जान, मेरे दिल के बादशाह, मेरी मौजूदगी के सबब, मेरी रूह, मेरे दिल और जान के मालिक, काश कि ये मुमकिन होता मैं आपके दिल में दफन हो जाती, आपके दिल के शहर में आबाद हो जाती मैं, और कभी जुदा ना होती। मौत का जिक्र होंठों पे मत लाना। खुश आमदीद बादशाह मोहतरम, सेन्योरा मेंदेज आपकी मुंतजर है। सेन्योरा मेंदेज बादशाह, मेरे घर में खुश आमदीद। महल के पुरिसरार माहौल, हर सरगोशी और हर बात सुनने वाले दरो दीवार से दूर मिलना बेहतर है। आपने मेरी दावत कबूल फरमाई, उसकी मुझे कितनी खुशी है काश बता सकती। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। तिजारत से मुतालिक तमाम कागजात हैं, मेरे साथ आने वाले लोगों की फहरिस्त भी है इसमें। ये मामला बाद में सेन्योरा, बिल्कुल इसे भी हल कर लेंगे। इतराफ etmem gerekiyor sanırım. Evraklar bahane. We'll be right back.